जी हाँ, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर भैया जी सॉन्ग लगाना चाहते हो, म्यूजिक लगाना चाहते हो, लेकिन क्या करें भैया जी, वहां पर जो है वो ऐड म्यूजिक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यानी कि हमारे दोस्त जो है वो अपनी पोस्ट के ऊपर जो है वो म्यूजिक लगा रहे हैं, पर हमारे इंस्टाग्राम के अंदर जो है वो ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ऐसे में कैसे ला सकते हैं या इस चीज को फिक्स कर सकते हैं, जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल को। जी हाँ, अक्सर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काफी लोग मैसेजेस करते हैं कि भैया जी, हमारा जो है वो पोस्ट हम जब लगाते हैं वहां पर ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि हम कैसे जो है इस चीज को फिक्स कर सकते हैं और अपनी पोस्ट के ऊपर जो है वो कोई गाना म्यूजिक या भाई ट्रैक वगैरह लगा सकते हो। तो उसके लिए जाना पड़ेगा आप सबको मेरे साथ अपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर। तो लो भैया जी, 5 से 6 तरीके हैं जिसके बाद आपका ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर अभी फॉलो कर लो और वहां पर जल्दी से जो है वो 10K फॉलोअर्स करवा दो और वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो विजिट करते रहा करो, ताकि नए नए आर्टिकल्स जो है वो आपको वहां पर मिलते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको जो है वो वहां पर मिल जाएगी। अब आपने सिंपली करना क्या, सबसे पहला तरीका, जी हाँ, सबसे पहला तरीका आपने करना क्या, चले जाना है ऐप स्टोर के अंदर। आपने देखना है कि भैया जी क्या मेरा इंस्टाग्राम जो है वो अपडेट है भी कि नहीं, क्योंकि आए दिन तो भैया इंस्टाग्राम जो है वो नई नई अपडेट लेकर आ रहा होता है और जो बग्स वगैरह इंस्टाग्राम के अंदर होते हैं, ऊपर होते हैं, वो उनकी नई अपडेट्स के बाद जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे में मेक श्योर कि आपने जो है इंस्टाग्राम को ये चीज चेक कर लेनी है कि आपका अकाउंट जो है वो ऑलरेडी अपडेट है। तो मैं इंस्टाग्राम जो है वो सर्च करता हूं, यहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करते हैं, एज यू कैन सी कि मेरा इंस्टाग्राम जो है वो अपडेट है। इट्स मीन कि मैं लेटेस्ट वर्जन जो है वो यूज कर रहा हूं। अगर आपका नहीं है तो आप कर लो। उसके बाद जो दूसरा तरीका आ जाता है कि भैया जी चेक करना है कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो एड म्यूजिक वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं जो है वो प्रोफाइल के अंदर चला जाता हूं, ठीक है, सॉरी, पोस्ट जो है वो एक क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहां पर नेक्स्ट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट करता हूँ। एज यू कैन सी कि मेरे भी यहाँ पर जो है वो ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मुझे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि नहीं आ रहा। अब जो है दूसरा तरीका आ जाता है कि हमने जो है वो चले जाना मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ऐप्स के अंदर आ जाना है, यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर आ जाएंगे, इंस्टाग्राम की परमिशंस के अंदर जाना है। जी हाँ, आपने जो है सिंपली एप्लीकेशंस के अंदर आके सेटिंग्स के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर, और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम के अंदर आके वहाँ पर उसकी तमाम परमिशंस जो है वो उसे अनेबल कर देना। जैसे परमिशंस वगैरह को अनेबल कर दोगे, उसके बाद जो है अगर तो iOS यूजर हो, ठीक है, तो आपने जो है वो चले जाना है भैया जी आईफोन स्टोरेज के अंदर, जर्नल्स के अंदर, सॉरी, और उसके बाद चले जाना है आईफोन स्टोरेज के अंदर। अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो वहां पर ही परमिशंस के बाहर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का। आपने सिंपली जो है स्टोरेज के अंदर जाकर क्लियर कैशेस करनी है, ठीक है, क्लियर डाटा नहीं करना, क्लियर कैशे करना है, और उसके बाद सिंपली अपने मोबाइल फोन को जो है वो रीस्टार्ट करना है, और उसके बाद भैया जी देखना है कि आपका जो है वो प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं। और अगर तो iOS यूजर हो तो सिंपली ऑफलोड ऐप आपने करना है और उसके बाद भैया जी मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करके उसके बाद ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो चले जाते हैं तीसरे तरीके के ऊपर। उसके बाद जो तीसरा तरीका हमारे पास आ जाता है कि भाई आपने अपने अब्बू का, मामा का, पापा का, चाचे का, ताए का जो है वो मोबाइल फ़ोन लेना है, वहाँ पर आपने सिंपली भैया जी अपना इंस्टाग्राम जो है वो लॉगिन करना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम लॉगिन करेंगे और वहाँ पर वही स्टेप्स आपने जो है पोस्ट करनी है, वहाँ पर देखना है कि क्या आपको ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन जो है वो वहाँ पर मिल रहा है। अगर तो वहाँ पर मिल रहा है तो इट्स मीन कि आपकी इंस्टाग्राम की जो नई अपडेट है वो आपकी डिवाइस को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही। तो सपोर्ट कैसे करवाना है भैया जी, उसके लिए जो है वो आपने सिंपली भैया जी मोबाइल के सेटिंग्स के अंदर चले जाना और यहाँ पर आपने चले जाना भैया जी जर्नल्स के अंदर, अबाउट्स के अंदर आ जाएंगे, सॉरी अबाउट्स के अंदर नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट, और उस एंड्रॉयड यूज़र है तो आपने सिंपली जो है सेटिंग्स के अंदर जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन का, अगर अपडेट नहीं किया। जैसे कि एज यू कैन सी कि भाई मेरा भी जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर जो है वो लगा देता हूँ ताकि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो हो जाए। मोस्टली प्रॉब्लम्स जो है इस चीज़ की वजह से भी आपको काफ़ी फेस करने को मिलती है। तो भैया जी सब कुछ कर लिया लेकिन अभी भी जो है वो ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा, तो मैंने भी तो फिक्स करना ही करना है, डोंट वरी। तो ऐसे में अब आपने सिंपली जो है वो करना क्या है, इंस्टाग्राम के अंदर चले जाना है। इंस्टाग्राम के अंदर जाने के बाद आपने सिंपली जो है भैया जी यहाँ पर चले जाना है पोस्ट के अंदर, ठीक है, पोस्ट वही करनी है, ठीक है, पोस्ट के अंदर नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट जाना है और नेक्स्ट जाना है, ठीक है,
नेक्स्ट गए और यहाँ पर इस चीज का जो है वो आपने सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लो भैया जी, मैं तो जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, अपनी इस चीज का, एज यू कैन सी। अब आपने सिंपली करना क्या, आपने आ जाना भैया जी थ्री बर्गर लाइंस के ऊपर। लाइंस के ऊपर आएंगे, सेटिंग्स के अंदर चले जाना, हेल्प सेंटर के अंदर चले जाना, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम के अंदर चले जाना, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम विदाउट शेकिंग के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर लिखना है इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ये चीज लिख के अपलोड जो है वो हम वो स्क्रीनशॉट जो है वो कर देते हैं भैया जी। आ जा, ये स्क्रीनशॉट था, ठीक है। हम सिंपली इसे अपलोड करके और भैया जी नेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देते हैं सेंड रिपोर्ट, ठीक है। आपकी रिपोर्ट जो है वो सेंड हो चुकी है और अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपली जो है वो 24 से 48 आवर्स का इंतजार करना है और 48 आवर्स के बाद जो है वो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। वैसे में आपने जो है वो टाइम बाय टाइम जो है वो इंस्टाग्राम की अपडेट को चेक करते रहना, हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दें और भैया जी आपको अपडेट दे दें और आप जो है बैठे रहें कि भाई कब ये फिक्स होगा। तो ऐसे में इंस्टाग्राम को जो है वो अप टू डेट ही रखना है। तो ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हाउडी चैनल को फर्स्ट टाइम देखे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउडी चैनल। मिलता है एक नई वीडियो में, अब तक ले चाहता आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस।